दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं। पानी वानी की जरूरत हो तो मंगवा लेना। जी हाँ। देखिए क्या आप बता सकते हैं और कितनी देर लगेगी? बस यही कोई 15-20 मिनट में ले आएंगे उसे। जब मैं आया था तब भी आपने कहा था 15-20 मिनट, अब तो देखिए 1.5 घंटा होने को आया है। सरकारी काम है तो कागजी कार्रवाई में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ना। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, कैसे हैं आप? वो बैठे। और सुभाष? ये तुम इतने बुझे बुझे से क्यों? नहीं तो ये लोग नत्था पहलवान को लॉकअप से यहां ले आए हैं, बस अभी थोड़ी ही देर में शिनाख्त के लिए लाएंगे। आपने इस गुंडे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर सच्चे और जागरूक शहरी का परिचय दिया है। ये देखिए, फ्रंट पेज पे नहीं छुपवाई है मैंने, पूरे 2 कॉलम में। हालांकि इस बात को लेकर एडिटर के साथ बड़ी बहस हुई मेरी, मैंने साफ कह दिया ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। कल की अखबार में फिर इस घटना की खबर दूंगा। जब तक इस आदमी को सजा नहीं हो जाती तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। क्यों महेंद्र? हाँ और क्या, उस गुंडे को हर हाल में सजा दिलवानी ही है। तू भी यार, तू सुबह सुबह उससे भिड़ने वहां पहुंच क्यों गया? क्या बताऊं यार, किस्मत ले गई बस। छोड़ यार किस्मत विस्मत को, तुझे वहां ले जाने वाली तो कोई और ही थी। क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं यार। यार देखो तो ये इनके 15-20 मिनट खत्म होते हैं कि नहीं। बस यार लाते ही होंगे, रिलैक्स। हाँ तय हुआ है कि सिपाही नत्था पहलवान को लेकर उधर से आएंगे और यूं निकल जाएंगे। उसे ये पता भी नहीं चलने दिया जाएगा कि तुम यहां हो। तुम यहीं से बैठे बैठे उसे देख लेना और बाद में बता देना कि यही वो आदमी जिसने तुम पर चाकू चलाना चाहा था। यार मुझे तो लगता है कि हमें वो रिपोर्ट लिखवानी नहीं चाहिए थी। यार फिर वही बुजदिली की बातें कर रहा है। क्या चाहता है तू, कि ऐसे आदमी को गुंडागर्दी की खुली छूट मिलती रहे? करेक्ट भाई, मैं तो ये समझता हूं कि आदमी को गुंडागर्दी रोकने के लिए अगर उसकी जान भी जाती है तो भी उसे परवाह नहीं करनी चाहिए।
हाँ भाई, मैं तो साफ बोलता हूं और साफ लिखता हूं। अब देखिए ना, इन लोगों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि किसी को कुछ समझते नहीं। पिछले 2 सालों में इनके गुंडागर्दी की हरकतें पहले से 3 गुना बढ़ गई। अगर अब भी इनको रोका ना गया तो आने वाले 2 सालों में आम आदमी का तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और नहीं तो क्या। हाँ सुभाष, ये लोग नत्था पहलवान के घर चाकू की तलाश करने गए हैं। हो सकता है तुमसे चाकू की शिनाख्त करने के लिए भी कहा जाए। लेकिन चाकू की शिनाख्त होगी कैसे? होगी कैसे? अरे देख लेना और कह देना हाँ यही चाकू है, और शिनाख्त कैसे होगी? लेकिन मैंने उस चाकू को ठीक तरह से देखा तक नहीं है। अरे देखा नहीं, अब देख लेना। अच्छा हम लोग चलते हैं। अरे सुनो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम यहां से निकलकर सीधे घर चले जाना और रात को मेरे वापस आने तक घर पे रहना। हाँ। ओके? लेकिन रिलैक्स, सी यू। अब लेकिन महेंद्र, वो चाकू यार। नहीं मिन्नी, तुम मुझे कहां कहां से ले आती हो। मैंने बरसों इस शहर में रहने के बावजूद भी इतनी गलियां नहीं देखी जितनी तुमने मुझे ये 6 महीने में दिखाई। समझते तो हो नहीं, अगर हम मेन रोड पर घूमें और मेरी क्लास की कोई लड़की या लड़का मिल जाए तो। अच्छा ये बात है। और नहीं तो क्या। तब तो शायर आजम जनाब जौक साहब के साथ भी हमारी जैसी कुछ ट्रेजेडी रही होगी। तभी तो उन्होंने कहा था, कौन जाए जौक इस शहर की गलियां छोड़। ये क्या, तुम हंस रही हो? मिस मैडम कुमारी मिन्नी साहिबा, शेर सुनकर दाद दी जाती है। जरूर दी जाती है, मगर तब जब शेर सुनाने वाला अपना शेर सुनाए। अरे सुनाएंगे सुनाएंगे, अपने शेर भी सुनाएंगे। आदमी धीरे धीरे इसी तरह शायर बन जाता है। तुम तो जल्दी बन जाओगे, पर अफसोस तुम्हारी शायरी दूसरे लोग ही सुना करेंगे। क्यों, तुम कहाँ चले जाओगे? तुमसे बहुत दूर। मिनी तुम आज बहुत बहकी बहकी बातें कर रही हैं, क्या बात है? इस इतवार को कोई मुझे देखने आने वाला है। कौन? कोई है, काठमांडू से आया है, 10 दिन में शादी करके लौट जाना चाहता है। फिर क्या, जब वो आएगा मैं उसे सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। और अगर उस वक्त तुम्हारी जबानी ना खुली तो? फिर समझ लेना, एक बेकार सी लड़की थी, इस लायक भी नहीं थी कि तुम मुझे। मिनी तुम, अरे राम दुलारी, इन छोरा छोरी को तो देख। अरे ये लैला मजनू के अवतार लागे, इन्हें तो होश ही नहीं धरती पे या आसमान पे। अगर हम मेन रोड पर घूमें और मेरी क्लास की कोई लड़की या लड़का मिल जाए तो। जरा रुको यहाँ, बस यहाँ 2 मिनट। अरे आओ आओ बाबूजी आओ, क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए? नहीं नहीं, सुबह सुबह बाहर निकला था कुछ काम। अच्छा, के लिए। अच्छा, सोचा अच्छा। लौटते हुए बर्फी लेता चलूं, फिर दोबारा कौन आया। आओ नहीं तो क्या, बहुत अच्छा किया। चलो भाई साहब, ये रिक्शा खाली नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अभी इसे खाली नहीं किया है। तो मैं अभी खाली करवा देता हूँ, चल पैसे दे इसके और अपना रास्ता नाप, वरना। वरना क्या होगा? वरना क्या होगा कि बच्चे। अब आया समझ में, चल जल्दी से पैसे दे इसके
और दफा हो जाए यहाँ से। पहलवान जरा जबान संभाल कर बात कर। क्या कहा? मैं जबान संभाल के बात करूं? जानता है मैं कौन हूँ? तू जो भी है, लेकिन ऐसी बदतमीजी करने का तुझे कोई हक नहीं है। अगर तू समझता है कि चल फुटे यहां से निकल। और दूं? हाँ, थोड़ा सा, बस बस। बड़े बाजार में दिन दहाड़े उसने चाकू खोल लिया और कोई आसपास से तेरी मदद को नहीं आया। महेंद्र, घटना या दुर्घटना होने से पहले कौन किसकी मदद करता है? मदद करने तो लोग तब आते हैं जब हादसा हो चुका होता है। शायद मेरी मदद करने भी लोग आते जब मैं खून से लथपथ सड़क पर पड़ा तड़प रहा होता, लेकिन मैंने किसी को मदद करने का मौका ही नहीं दिया। इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। अब तू क्या करेगा? मैं कर जो आया, अपनी जान बचा लाया। डरपोक बुजदिल, कोई तुझ पर चाकू खोल लेगा और तू उसे ऐसे ही छोड़ देगा है? अरे हमारी गैरत क्या बिल्कुल मर गई है? तो तू क्या उसे लड़ेगा? बिल्कुल मैं लड़ूंगा। और मैं क्या, हम लड़ेंगे? अरे आजादी के नाम पर हजारों लाखों देशवासियों ने कुर्बानी दे दी, तो क्या इसलिए कि ये दो कौड़ी के गुंडे हमारी आजादी छीन ले? देखो रूम पार्टनर, मैं ये कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं किसी पंगे में फंसना नहीं चाहता। तू क्यों फंसेगा? फंसेगा वो जिसने ऐसी हरकत की है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं तेरे साथ। अरे पुलिस कानून कुछ नहीं है क्या? गुंडों का राज हो गया है। सुभाष, आई टेल यू, तू एक बार इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा के तो देख। सारे अमन पसंद लोगों की आवाजें तेरी आवाज में शामिल हो जाएंगी। तू चल मेरे साथ। हैं? अरे चलना यार, उठ। कहाँ? आवाज उठाने चलता है कि नहीं? उठ, चल यार। अरे पर बात तो सुन। तू चल ना। सुनो भाई। ओ भाई, आज इनका सुबह किसी आदमी से झगड़ा हुआ था? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा बाबूजी। मैं तो काम में लगा हुआ था। वैसे भी मेरी दूर की नजर कमजोर है बहुत। क्या बात कर रहे हो भैया, यही तुम्हारे सामने, यही तो रिक्शा से उतरकर उसने चाकू खोला था और तुम बोल रहे हो नहीं? अरे साहब, बोला ना एक बार, नहीं देखा तो नहीं देखा। अरे कुछ तो शर्म करो यार, उसने खुलेआम चाकू निकाला और तुम खुलेआम झूठ बोल रहे हो। उसका नाम नत्था पहलवान है, उसे इस इलाके में कौन नहीं जानता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उसके आदमियों ने एक पान वाले का कत्ल किया था। उसके तीन चार भाई हैं, वो बहुत बड़े माने हुए गुंडे हैं यहाँ के। गुंडे हैं? जी हाँ। खैर मनाइए कि आप जिंदा बच गए, मेरी बात मानिए, यहाँ से चले जाइए। उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, और यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसके खिलाफ गवाही दे। और वो जितना बड़ा गुंडा है उतना बड़ा दबदबा रखता है। हाँ, उसकी पहुंच बहुत बड़ों तक है, मैं फिर कह रहा हूं। ओके, थैंक यू। मैं नहीं कह रहा था, कुछ नहीं होगा, चल वापस चलते। बुजदिली की बातें मत कर, ऐसे गुंडे को सजा दिलवाए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। तू चल मेरे साथ, चल। गरम गरम चाय साहब। ले आया चाय। अरे ससुर के नाती, तुमसे कहा क्या था? तुमसे कहा था चाय गरम और पानी ठंडा लाना। वही तो लाया साहब, चाय गरम और पानी ठंडा। अरे नहीं ससुर के नाती, तुम लाए हो चाय ठंडी और पानी गरम। चल फूट फूट। सुनिए जी, मिस्टर अनिल जैन कहाँ मिलेंगे? हाँ यही मिलेंगे, अभी आते ही होंगे।
कहिए क्या बात है जी। हमें उनसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? बैठिए बैठिए, आओ आओ। क्या बात करनी जी? मेरे दोस्त हैं सुभाष, आज सुबह इनका किसी नत्था पहलवान नाम के गुंडे से मामूली से बात पर झगड़ा हो गया, तो उसने चाकू निकाल लिया। अच्छा 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 अच्छा, तो इतनी हिम्मत हो गई उसकी? क्यों, क्या वो पहले इस तरह की हरकत नहीं करता था? अजी कहां साहब, पहले वो दलाली का काम करता था, शहर के बड़े बड़े लोगों को काल गल सप्लाई करता था साहब, पर पहुंच बहुत लंबी है उसकी। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई? अरे साहब, उसके खिलाफ तो कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आता, और अगर खुदा ना खास्ता कोई भूल चूक से रिपोर्ट लिखवाने आ भी जाए तो ऊपर से फोन आ जाता है बस। देख, वो दुकानदार भी यही बात बता रहा था। तो अनिल जैन से आप कुछ इसी सिलसिले में बात करने आए क्या? जी हाँ। दरअसल हम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे, तो मैंने सोचा अनिल को साथ ले चलूं। वो प्रेस रिपोर्टर है, क्राइम बीट कवर करता है, और उसकी हर जगह पहचान भी है। हाँ, पहचान तो है उसकी, पर भैया ये रिपोर्ट ये मुकदमे हैं, कोई शरीफ आदमी के काम है क्या? भैया मेरी बात कान लगा के ध्यान से सुनो, बड़े प्रेम से। हाँ देखो भैया, तुम जिनसे भी टक्कर लेने जा रहे हो वो इस शहर के माने हुए छठे हुए गुंडे और बदमाश हैं। अरे भैया, उनके लिए जूता थप्पड़ पुलिस की गोली सब एक समान है। महेंद्र अली जी आ गए, वो चला गया। बेवकूफ, जवानी का जोश। गिलास ले जाओ सब। अरे ले जा ले जा ले जा। अरे सुन, अब तो गरम चाय और ठंडा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा सब। क्या मिलेगा? गरम पानी और ठंडी चाय। इंस्पेक्टर साहब, आज सवेरे इनका नत्था पहलवान से झगड़ा हो गया, उसने झट से चाकू निकाल लिया। किस चीज की अदावत थी तुम दोनों में? जी वो अदावत शरीफ और बदमाशों के बीच में किस चीज की अदावत इंस्पेक्टर साहब? बस वही बदमाशी और शराफत की। आप अपनी शिकायत कागज पर लिखकर दे दीजिए, मुंशी जी उसे फाइल में दर्ज कर लेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम यहां शिकायत लिखवाकर उसे फाइल में बंद नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं कि आप उस पर कार्रवाई करें। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर आपको हमारे शरीफ होने पर जरा भी शंका हो रही है तो मैं अभी मंत्री से बात करवाई के आपकी इस शंका का समाधान करवा देता हूं। मैं फोन कर सकता हूं ना? एक मिनट, इन सब छोटे छोटे कामों के लिए इतने बड़े बड़े लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है अनिल साहब? ये बात तो ठीक है, ऐसे झंझटों से निपटने के लिए तो हम यहां पर बैठे हैं। आप रिपोर्ट तो लिखाइए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। चल लिख रिपोर्ट, लिखना लिख, कागज ले। बेचारे को बहुत ही डरा दिया है लोगों ने। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक अच्छे शहरी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी रिपोर्ट जरूर लिखवाएं। आपके रिपोर्ट लिखवाने के बाद ही हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे इन गुंडों से मत्था लेने में यूं भी बहुत डर रहता है, और कुछ ना करें, इनके ऊपर कहीं एसिड वैसिड ही फेंक दें। उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर तुमने कोई भूल नहीं की, बिल्कुल ठीक किया है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तो लोग बहुत कुछ कर बैठते हैं। हाँ, अरे ऐसे गुंडों की तो बस एक ही सजा होनी चाहिए, उन्हें लेडी पुलिस के हवाले कर दो, और लेडी पुलिस उन्हें बीच चौराहे पर खड़ा करके अपने जूतियों से पीटे, तब उन्हें पता लगेगा कि स्वाभिमान क्या होता है। और कौन होगा, कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। मिनी मिनी, ठहरो, दरवाजा मत खोलो।
मिस्टर सुभाष का कमरा यही है जी। क्या बात है? नत्था पहलवान को पुलिस ने पकड़ लिया है। साहब ने शिनाखत परेड के लिए बुलाया है। पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाना, ठीक है? आ जाना भैया। तुम नहीं जानती मिनी क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। तुम इतना डर क्यों गए थे? मैं? नहीं तो? बताओ ना सुभाष, मैंने तुम्हारे चेहरे पर इतना खौफ पहले कभी नहीं देखा। हम नत्था पहलवान को शिनाख्त के लिए लेकर के आ रहे हैं। तुम ये कुर्सी तिरछी करके बैठ जाओ और बाहर की तरफ देखते रहना, ओके? और हां, घबराने की जरूरत नहीं है, कानून तुम्हारे साथ है। चलो। कहां चलना है? इधर चलो। क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें मना किया था कि उसे वहां पर मत लेकर जाना, चुपचाप दरवाजे के पास से निकाल कर लेकर जाना। सॉरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो सब लोगों को समझा दिया था, मगर ये सारे के सारे अकल के दुश्मन निकले। जाओ यहां से। सॉरी मिस्टर सुभाष, लेकिन आप घबराइएगा मत, हम आपकी पूरी हिफाजत करेंगे। आपने उस आदमी को पहचान तो लिया है ना? यह आदमी वही था ना जिसने आप पर चाकू चलाना चाहा था? मिस्टर सुभाष, क्या यह वही आदमी था? ये वही आदमी था।